नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। 20 अक्टूबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश की बदहाली को लेकर रोज एक सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल कमलनाथ केंद्र सरकार और उनके अधीन काम कर रही संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर पूछ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में आज कमलनाथ ने शिक्षा को लेकर शिवराज सिंह से कुछ सवाल पूछे हैं। राज्य के शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। कविता से तंज कसते हुए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी है और ढेर सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अपने सातवें सवालों की झड़ी में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिजली नहीं पहुंचने की बात कही है। कमलनाथ ने लिखा है कि 71% स्कूलों में बिजली पहुंची ही नहीं है। मध्य प्रदेश के नौनिहालों की आधुनिक शिक्षा का हाल यह है कि मात्र 15.7% स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था है, अर्थात राज्य के 1,22,000 स्कूलों में आज भी कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली नहीं है। मध्य प्रदेश के सिर्फ 15.6% माध्यमिक स्कूलों में और मात्र 19% उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था है। सरकारी स्कूलों में तो ये नगण्य है। उन्होंने केंद्र की डाइस 2017 रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि मध्य प्रदेश में 19,000 स्कूल में एक एक शिक्षक है। 14,000 स्कूलों में बारिश के दिनों में पहुंच का रास्ता ही नहीं रहता, यानी इन स्कूलों में बच्चे पढ़ने ही नहीं जा पाते। आज भी मध्य प्रदेश में 4,451 स्कूलों में सिर्फ एक ही कमरा है, यानी 4 से 8 वर्ग के बच्चों पर एक ही रूम में पढ़ाई होती है। कैग की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 63,851 शिक्षकों की कमी है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए आवंटित कुल बजट में से 2011 और 16 के बीच 7,284 करोड़ रुपए जारी नहीं किए। सरकार बच्चों के शिक्षा के अधिकार के हनन में सबसे बड़ी अपराधी रही। कैग की 2017 की रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 63,851 शिक्षकों की कमी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 से 8वीं तक मुफ्त किताबें बांटे जाने का प्रावधान है, लेकिन कैग ने अपनी 2017 की रिपोर्ट में बताया है कि 2010 से 2016 तक 42,88,000 किताबें बांटी ही नहीं गई। आपको बता दें कि कमलनाथ अपने सवाल केंद्र सरकार और उनके अधीन कार्य कर रही संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर पूछ रहे हैं, जो इन सवालों की सत्यता बताते हैं, लेकिन भाजपा इन सवालों के ना तो जवाब दे रही है और ना ही इन सवालों को गंभीरता से ले रही है। फिर भी कहीं ना कहीं कमलनाथ के सवाल भाजपा की मुश्किलें बढ़ा ही सकते हैं। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएसटीवी। नमस्कार।